अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। ये हमने कम सामान में, कम समय में, जैसे सबको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, तो हमने कम समय में और कम सामान में बना के अंडा करी तैयार करी है। अंडा करी बनाने के लिए हम आपको बता दें कि हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। डेढ़ सौ ग्राम हमने यहाँ पे तेल लिया है, 3 टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज के, लहसुन अदरक का पेस्ट है और 4 हरी मिर्च लिए हमने, और ये गार्निशिंग के लिए हमने हरी धनिया लिए। मसालों में हमने लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। मिर्चा हमने 1 चम्मच लिया है, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है और आधा से थोड़ा सा कम हमने गरम मसाला लिया है और 1 स्पून हमने नमक लिया है। और हमने यहाँ पे मेथी ली है, मेथी से हम तड़का लगा के तब अपनी डिश बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हमने 5 अंडे लिए हैं, हमने अंडे को बॉईल करके पहले से रखा है, हार्ड बॉईल करना है ताकि हमारी करी अच्छी बने। हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमने पैन चढ़ा दिया है हाई फ्लेम पे। पैन होते ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमारा पैन जैसा कि आपको दिख रहा है हो गया है, अब इसमें हम अपना ऑयल ऐड करेंगे। सारा ऑयल हम इसमें डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, आपके घर में जो भी यूज करा जाता है। वैसे हमने फॉर्च्यून ऑयल लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ऑयल गरम हो गया है, तो अब इसमें हम पहले अंडे को फ्राई कर लेंगे। अंडे को फ्राई करने से पहले हम इसमें थोड़े चाकू की हेल्प से इसमें थोड़ा कट लगाएंगे, ताकि जब ये अंडे उबले तो इसमें से जो ऊपर ऑयल उड़ता है वो ऊपर ना आए। सभी अंडों में हम इसी तरह से कट लगा लेंगे। अंडों में कट लग चुका है, हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने अंडे डाल देंगे। अंडों को हमें फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसमें इनको फ्राई करते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे अंडे फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अंडे हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, और आप चाहें तो इसमें अंडे की करी में आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें आलू नहीं खाने हैं, इसलिए हम केवल अंडे की करी बनाएंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम इसी तेल में हम अपना करी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम छौके के लिए केवल मेथी से हम इसका छौका लगा देंगे। मेथी हमारी फ्राई हो जाए तब हम इसमें मसाले ऐड करना चालू करेंगे। हमने आज बहुत तेज हो गई थी, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया है। तेज आंच रहेगी तो मेथी जल सकती है। हमारी मेथी भुन चुकी है, अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। पहले हम सबसे पहले लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इस पेस्ट को हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। हम इसे नॉर्मल फ्लेम पर थोड़ा फ्राई करेंगे। यह हमारा फ्राई हो गया। अब इसी में हम टमाटर की प्यूरी को मिला देंगे। इसको ऐसे चलाते रहना है और फ्लेम को ना हाई पे रखना है ना स्लो पे रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको पकाना है, फ्राई करना है। फ्राई
फ्राई हो रहा है तब तक हम अपने इसको सारे मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चलाते रहेंगे, नॉर्मल फ्लेम पर अपने मसालों को भून लेंगे। इसको 5 मिनट लगेंगे भूनने के लिए, जब तक हम अपने मसालों को भून लेते हैं। इसका टेम्परेचर हमने लो कर दिया है और अब हम इसे ढक देते हैं ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मसाला भून चुका है, मसाला भून गया है। इसको कैसे जाने, ये इस तरह से जाना जाएगा, जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आप समझ जाइए हमारा मसाला भून गया है। देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। और अगर आपको लग रहा हो कि आपका मसाला जल रहा है तो पानी डाल दीजिए, वरना पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे भूनते रहिए। अब हमारा मसाला तो भून गया है, तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर अंडे ऐड करेंगे। हम 300 ml पानी ऐड करने जा रहे हैं इसमें। अब हम इसमें अंडे ऐड करते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारी करी बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी महक आ रही है। और हम इसे आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाते हैं। हमारी अंडा करी बनके रेडी है, इसे हम नींबू और सलाद के साथ खा सकते हैं। और इसका लास्ट टचअप हमने धनिया से देना था, हम इसमें धनिया डाल देते हैं। कम समय में कम सामान में डिलीशियस अंडा करी बनके तैयार है। प्लीज आप भी इस तरह बना के जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। और अंडा करी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।